हेलो एंड वेलकम स्वागत है आप सबका महेंद्राज के एक नए प्लेटफॉर्म लाइव प्रासेस आज हम आपको आर क्लर्क का जो आपका ब्लड रिलेशन का चौथा क्लास है उस पर हम बात करेंगे आज हम कोडिंग फॉर्म के क्वेश्चन पर बात करेंगे और देखेंगे इन टाइप के इन टाइप के सवाल कैसे हमसे प्रॉपरली इसमें क्या कहते सवाल पूछे जाते हैं ठीक है चेके? तो गुड मॉर्निंग राम राम सत्याकाल वालेकुम सब कुछ हमने विश कर दिया है वेट नहीं करने गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग राना जी गुड मॉर्निंग अभिनव शर्मा जी गुड मॉर्निंग उदयपाल जी गुड मॉर्निंग हैं गुड मॉर्निंग अजय सिंह फॉर्म के सवालों पे हम बात करेंगे सवाल वैसे नहीं पूछे जाते देखा कोडिंग फॉर्म के क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते लेकिन फिर भी आपको बेसिक ओवरव्यू पता होना अप्रोच करेंगे ठीक है स्टार्ट करें एक बार जल्दी से आप रेडी वाला कमेंट कर दीजिए रेडी वाला कमेंट या स्टार्ट वाला कमेंट कर दीजिए तो फिर हम इसको प्रॉपरली स्टार्ट करें स्टार्ट तो करें ठीक है चलो गुड मॉर्निंग अर्पित बंसल जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ठीक है देखिए इस टाइप के सवालों पे अप्रोच कैसे करते हैं देखिए पहले एक चीज समझिए ये आपके कुछ कोडिंग फॉर्म्स हैं ये सीधा भी हो सकता है उल्टा भी हो सकता है सीधा मतलब a into b, मतलब a, mother, b a मतलब a जो है वो मदर किसकी b के और a मतलब a जो है वो फादर मतलब फर्स्ट लेटर फादर किसके सेकंड के ठीक है सेम डिड डिवाइड मतलब हो जाएगा कि आपका जो फर्स्ट लेटर है वो brother, किसका second letter का और जो आपका है है उसका मतलब first letter जो है, वो second letter आ, sister. ये उल्टा भी हो सकता है ठीक है मतलब ये सीधा हो हो सकता है आपका ऐसा दिया हो कि mother है, ऐसा दिया कि भी दिया हो, A B मतलब ये उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है आप समझिएगा सवाल ने कहा मुझे के को maternal grandfather, किसका बनाना है आई का आप के अगर मुझे मैटर्नल ग्रैंड फादर आई तो कैसे आएगा समझिएगा देखो कह रहा है बताइए कौन सा इंगित करता है कि के आई का नाना होगा आप देखिए पहला ऑप्शन देखिए एक बार के इंटू डी अब ये बताओ इंटू मतलब क्या होगा कि फर्स्ट लेटर मदर किसकी सेकंड लेटर की यानी के जो है वो मदर किसकी हो जाएगी सेकंड लेटर की ये ऐसे बन जाएगा इतना तो क्लियर हो गया ना अब डी इंटू आई है तो भैया अगेन इंटू है मतलब फर्स्ट लेटर किसकी मदर सेकंड लेटर की यानी डी जो है वो अगेन मदर किसकी हो जाएगी आई की हो जाएगी इस टाइप से आपका बन जाएगा अभी बताओ पहले पहले पे आपको ये दिख रहा है कि के जो है फीमेल है जबकि क्वेश्चन ने बोला कि के आपका मैटर्नल ग्रैंड फादर होना चाहिए ठीक है ये आपका ये ये सवाल मैंने पीओ में भी करवाए थे और ऐसे सवाल आपके चुकी है दो, दोनों में बहुत बेसिक कॉमन है इसलिए आपको ऐसे सवालों को जानना जरूरी है ठीक है तो यहां पे के फीमेल है और मुझे क्या बनाना है फादर मतलब मेल बनाना मतलब पहला क्या हो गया पहला पक्का गलत हो गया ठीक है सेकंड पे आइए सेकंड क्या बोल रहे उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं अब सेकंड ने हमसे कहा कि आपको के डिवाइड डिवाइड का मतलब क्या हो गया डिवाइड मतलब हो गया के जो है वो ब्रदर मतलब क्या हुआ के जो है वो आपके ब्रदर यानी भाई साहब किसके हो जाएंगे डी के हो जाएंगे इतना तो क्लियर हो गया ना और डी इन टू मतलब हो जाएगा कि डी जो है वो मदर मतलब डी जो है वो मदर किसकी हो जाएगी आई की हो जाएगी ये क्लियर हो गया ठीक है अब ये बताइए अगर मैं इसको क्लियरली देखूंगा तो यहाँ पे आई की मदर कौन है डी और डी के भाई कौन है के तो भैया मेरी मदर की जो भाई है वो मेरे कौन कहलाएंगे मामा तो मुझे चाहिए ग्रैंड फादर यहां बन रहा है मामा मतलब सेकंड वाला गलत हो गया थर्ड देखिए थर्ड यहाँ पे है के माइनस माइनस मतलब होता है फर्स्ट लेटर यानी के जो है वो फादर किसके डी के हो जाएंगे डी के बाद अगेन मतलब डी आपके फादर किसके हो जाएंगे? आई के हो जाएंगे जाएंगे मतलब यह मतलब यह के, पिता के पिता, यहां पे, तो पे पैटर्नल, बन रहा है। बन लेकिन पैटर्नल आपका पक्का गलत हो गया फोर्थ वाले पे आइए अब अगर मैं फोर्थ वाले को क्लियरली देखूंगा देखिए फोर्थ वाला कैसे बनेगा इसको अगर आप क्लियरली चेक करेंगे तो आपको समझ में आ रहा है k माइनस डी यानी k फादर किसके d के और d इन टू इन टू मतलब होता है कि d जो है फर्स्ट लेटर जो है वो मदर b के यानी d की जो है वो मदर किसकी आई के हो जाएगी तो भैया मेरे मदर के जो फादर है वो मेरे नाना कहलाएंगे यानी k यहाँ पे पक्का ग्रैंड फादर मैटर्नल बन रहा है मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा आप इस सिंबल्स को और इस नोटेशन को आपका आपको याद रखना है इतने पे कॉन्सेप्टचुअली चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा क्लियर हो गया डन हो गया अगला सवाल आपके सामने ये रहा इसको आप करें एक बार इसको प्रॉपरली आप करें और आप करके बताइए इसका आंसर क्या होगा ठीक है यहां पे आपका क्या दिया यहां पे आपका दिया है कि आपको m माइनस डी बताना है कि m माइनस डी जो है वो m माइनस डी इन टू के कैसे बनेगा वो वो एक बार आप देख लीजिए ठीक है जल्दी करके बताइए पहले आप करिए फिर हम बताते हैं ठीक है चलिए चलिए शानदार एम माइनस डी ये आपका एन है ठीक है एन है माइनस डी है बताइए कैसे आएगा ठीक है ऑप्शन आपके क्लियर है सिस्टर है ठीक है फिर आपका डॉटर है फिर आपका जो है वो क्या कहते हैं आंट है और लास्ट पे आपका क्या आ रहा है लास्ट पे आपका कंफर्म वाइफ आ रहा है बताइए क्या होगा चलिए बहुत शानदार सेकंड ऑप्शन ओके पल्लवी उर्मा सिंह डॉटर होगा ओके ठीक है ओके ठीक है ओके जल्दी आंसर जल्दी आंसर मैं सबका देख रहा हूं ठीक है सवाल एक बार चक ले देखिए बस सवाल देखिए सवाल अगर मैं इसको देखूंगा तो यहां पे M- माइनस डी अब देखिए एम माइनस डी मतलब पहला लेटर जो है क्या है माइनस है माइनस मतलब ए माइनस बी मतलब एम जो है वो फादर किसके हो जाएंगे डी के हो जाएंगे तो एम फादर पक्का डी के हो गए इतना क्लियर हो गया उसके बाद यहां पे दिया है डी इंटू तो यार इन का मतलब है कि जो फर्स्ट लेटर है वो मदर किसके हो जाएंगे लेटर के यानी डी जो है वो मदर किसकी हो हो जाएगी K की हो जाएगी की तो M, जो है वो फादर है डी के डी मदर है K की तो मुझे D से अगर केम का रिलेशन देखना होगा तो डी जो है वो पक्का फीमेल सॉरी फीमेल हो जाएंगे और एम की ये बेटी क्योंकि एम अगर फादर है तो डी अगर फीमेल है पक्का बेटी होगी यानी डी पक्का डॉटर हो जाएगी मतलब सेकंड ऑप्शन आपका कंफर्म सही जवाब हो जाएगा तो ये सेकंड ऑप्शन हंड्रेड परसेंट सही जवाब आई होप सो कोई प्रॉपर्ली क्लियर हुआ होगा क्लियर हो के डन हो गया अगला सवाल आपके सामने ये रहा इसको बताइए क्या होगा कौन से सिंबल में आपको ये शो हो रहा है कि एम जो है वो मैटरनल अंकल किसके आर के आपको एम को अब देखिए मैटरनल अंकल मतलब सिर्फ आपको मामा मैटरनल अंकल मतलब आपका मामा ही होना चाहिए वो चाचा आपके नहीं होने चाहिए ठीक है चलो क्लियर डन ठीक है चलो बताइए जल्दी बताइए ओके थर्ड ऑप्शन मोस्ट पर्सन ऑप्शन देखिए सवाल देखिए ओके okay, समझिएगा देखिए सवाल क्या बोल रहा है सवाल ने कहा कि बताइए अंकल।, अंकल कैसे देखिए समझिएगा पहला ऑप्शन है प्लस और प्लस यानी प्लस का मतलब क्या होगा ब्रदर यानी एम जो है वो भाई किसके हो जाएंगे के के और फिर के के बाद भी प्लस है मतलब के भी आपके भाई किसके हो जाएंगे आर के हो जाएंगे तो ये बताइए मुझे एम को मामा बनाना है और एम यहाँ पे आर के भाई बन गए हैं मतलब पहला कट गया पहला पक्का गलत हो गया सेकंड देखिए सेकंड एम माइनस है तो माइनस मतलब होता है मदर यानी एम जो है वो मदर किसके हो जाएंगे आर के हो जाएंगे ये ऐसा बन गया और आर के बाद प्लस प्लस मतलब हो जाएगा आर जो है वो भाई किसके हो जाएंगे के के हो जाएंगे ये भी बन गया अब ये बताओ मेरे भाई के जो मदर है वो मेरी भी मदर होगी भाई मेरे भाई की मदर मेरी खुद की मदर होगी मतलब ये भी क्या हो गया ये भी गलत हो क्योंकि मुझे मामा बनाना है आप मामा नहीं बन रहा थर्ड देखिए थर्ड आपका है m प्लस प्लस मतलब होता है m जो है वो भाई किसके हो जाएंगे के के हो जाएंगे और k माइनस मतलब k जो है वो मदर किसकी हो जाएंगी r की हो जाएंगे इस टाइप से बन जाएगा ना ये आपका बन गया आप तो देखिएगा हैं और के के भाई एम है तो मेरी मदर के जो भाई हैं वो मेरे कहलाएंगे अंकल अंकल मतलब होगा मामा मामा मतलब मैटरनल अंकल का मतलब ये हुआ कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल वैसा ही मैच करेगा जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो थर्ड ऑप्शन आपका 100% सही जवाब आई होप सो आपको ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा क्लियर हो गया डन हो गया ठीक है चलिए अगला सवाल अगला सवाल आपके सामने ये रहा अब इसको देखिए यहां पे सवाल क्या बोल रहा है यहां पे सवाल ने आपसे बोला है कि आपको यहां पे अंकल शो करना है अंकल का मतलब अंकल का मतलब होता है या तो मामा या तो चाचा दो में से कोई भी एक होगा अब आप चेक करें चेक करके बताइए आपका मामा होगा कि चाचा बनेगा अंकल में कोई भी आ जाएगा ठीक है ओके okay. बताइए मामा या चाचा कोई भी कंडीशन आपकी बन जाएगी ठीक है और या तो आपका ये चलेगा ये चलेगा दोनों ही चीजें आपकी प्रॉपरली यहां पे चल जाएंगी ठीक है चलो बताओ <laughs>

मतलब एम जो है वो ब्रदर किसका हो जाएगा एस का हो जाएगा ये बात क्लियर हो गई एस के बाद आपका ऑब्लिक है ऑब्लिक मतलब फर्स्ट लेटर फादर यानी एस जो है वो फादर

पी पी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेकिन मेरी बहन कौन टी है और टी के फादर कौन है के तो मेरी बहन के जो फादर है वो कौन है के है तो मेरी बहन के फादर मेरे फादर होंगे और उनके जो भाई होंगे वो मेरे भी अंकल ही कहलाएंगे अगर वो टी के अंकल हैं तो वो मेरे भी चाचा जी ही कहलाएंगे मतलब फोर्थ वाले से मुझे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि एम जो है वो अंकल किसके हो जाएंगे पी के मतलब फोर्थ वाला आपका कंफर्म सही जवाब हो जाएगा आई होप सो आपको ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा क्लियर हो गया डन हो गया अगला सवाल आपके सामने ये रहा उसको बताइए क्या होगा जल्दी से S को मुझे आंट साबित करना है T के तो S को मुझे आंट देखना है बताइए आंट वाला ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा चेक करें और चेक मुझे इंडिकेट करें जल्दी से अब ये आपकी समझ है कि आप इसको कितना जल्दी समझ के इसका कांसर आप निकाल पाते हैं ठीक है बताइए ओके स्वाभिनव शर्मा थिंग सिंग थर्ड ऑप्शन ठीक है सबके ऑप्शन हम एक बार देखेंगे सबके ऑप्शन पे हम प्रॉपरली बात करेंगे विजय कुमार झा थर्ड ऑप्शन ठीक है ये भी सही है लास्ट से चेक करना और इजी हो जाता है ये भी सही है बिल्कुल सही ओके सो कई लोग कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन देखिए एक बार कुछ लोग अच्छा थर्ड 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 ठीक है कुछ लोग फर्स्ट भी कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन भी हो सकता है तो एक बार फर्स्ट ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या बनेगा ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं देखिए फर्स्ट ऑप्शन पर देखिए टी इंटू एम तो ये बताओ टी इंटू एम है तो ये बताओ टी इन टू एम मतलब टी जो है वो सिस्टर किसकी हो जाएगी एम की हो जाएगी क्लियर हो गया और एम प्लस है तो भैया एम जो है वो फादर किसके हो जाएंगे एस के हो जाएंगे ये इस टाइप से आपका बन जाएगा ये आपका क्लियरली बन जाएगा इतना क्लियर हो गया ना अब ये बताओ एस के फादर कौन है एम है एम की सिस्टर कौन है टी है तो ये बताओ मेरे फादर की सिस्टर कॉनिटी है लेकिन मुझे एस का जेंडर चाहिए क्योंकि एस आंट है एस को मुझे मेल या फीमेल या फीमेल ही शो करना है तो यहां पे एस का जेंडर तो कहीं डिफाइन नहीं है ये तो इनका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा इसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट ऑप्शन कभी नहीं होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन कभी भी नहीं होगा थर्ड को एक बार देखिए अब देखिए थर्ड वाला कैसे बनेगा एक बार हम इसको चेक कर लेंगे देखिए कैसे आएगा ये बताओ S इन है इंटू मतलब क्या हो गया इंटू मतलब हो गया एस जो है वो सिस्टर किसकी एम की हो जाएगी और एम जो है वो फादर तो भैया एम पक्का फादर तो यार एम जो है वो फादर किसके हो जाएंगे T के हो जाएंगे तो ये आपका इस टाइप से एक क्वेश्चन बन जाएगा इतना क्लियर हो गया अब ये बताओ T के फादर कौन है M?

नीज साबित करना है किसकी किसकी डी की तो सी को आपको नीज साबित करना है डी के और आपको ये अभी वो तो या तो जी या तो भतीजी या तो मैटर्नल या तो पैटर्नल आपको सिर्फ नीज से मतलब है वो या तो मैटर्नल हो या तो पैटर्नल हो चेक करें इसका आंसर क्या आएगा चलिए फास्ट आंसर और मुझे साई लोगों के आंसर चाहिए सबके आंसर चाहिए देखिए कोई भी यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए ठीक है सबको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता है कि अगर ये अभी मैं इसको उल्टा भी करवाऊंगा उल्टा भी अगर नहीं होगा कोई सवाल तो मैं इसको खुद ही यहाँ पे ही इसको क्रॉस चेक करके उल्टा करके फिर मैं उसके भी सवाल आपको करवाऊंगा ठीक है हालांकि क्लर्क इतना हाई लेवल नहीं पूछता लेकिन मैं फिर भी फिर भी आपकी प्रैक्टिस वहां तक करवाऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो अनुराधा यादव जी उदय पाल जी ठीक है योगेश कुमार अजय कुमार सिंह अजय कुमार यादव जी सत्यजीत मेहता पल्लवी वर्मा ठीक है ओके okay, विजय कुमार झा जी ठीक है अब पहले एक बार नंबर फाइव दे देखिए नंबर फाइव क्या है नंबर फाइव है डी माइनस पी तो ये बताओ डी माइनस पी मतलब फर्स्ट लेटर डॉटर किसकी सेकंड की यानी डी जो है वो डॉटर किसकी हो जाएगी पी की हो जाएगी इतना क्लियर हो गया फिर P ऑब्लिक है उबलिक मतलब हो जाएगा कि P जो है है वो भाई किसका हो जाएगा? हो जाएगा ये है। अब में हमें का जेंडर जाएगा C का ये मेल की फीमेल जबकि हमें C को नीज बनाना है तो भैया C नीज यहां पहले फिफ्थ ऑप्शन से कभी नहीं बनेगी मतलब ये पक्का गलत हो गया ठीक है अगला देखिए अगला क्या हो सकता है अगला अगर कई लोगों का अच्छा एक नंबर फोर ट्राई कर ले सकता है क्या देखो पी प्लस डी तो

की हो जाएगी और पी ऑब्लिक मतलब पी जो है वो फादर किसके हो जाएंगे तो यहां पे कंफर्म डी बन जाएगा अब ये बताओ मेरे पिताजी कौन है पी है और मेरे पिताजी के भाई या बहन कौन है डी है तो मेरे पिताजी के अगर भाई होंगे डी तब भी मैं उनकी भतीजी कहलाऊंगी ठीक है और अगर मेरे पिताजी की बहन होंगी डी तब भी मैं उनकी भतीजी ही कहलाऊंगी मतलब सी जो है वो कंफर्म नीज किसकी डी की हो जाएगी इसका मतलब फर्स्ट नहीं होगा सेकंड नहीं होगा फोर्थ नहीं होगा फिफ्थ नहीं होगा थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन थर्ड वन कंफर्म आपका सही जवाब आई होप सो आपको प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा क्लियर हो गया डन हो गया कोई दिक्कत कोई परेशानी ठीक है अगला सवाल आपके सामने ये रहा इसको करिए और करके बताइए क्या होगा इसका आंसर ठीक है जल्दी से फास्ट आंसर कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें समीकरण प्रॉपरली ड्रॉ नहीं हो पाता ठीक है ये ध्यान रखिएगा तो ऐसे सवाल भी मैं आपको दिखाऊंगा आज जिसमें स्टेटमेंट दिया होता है लेकिन कभी कभी समीकरण ही ड्रॉ नहीं हो पाता तो ऐसे सवालों पे हम क्या करेंगे उस पर भी हम आज बात करेंगे ठीक है चलो जल्दी से आंसर चलिए बहुत बढ़िया योगेश कुमार जैस्मिन अभिनव शर्मा अजय कुमार सिंह पल्लवी वर्मा ठीक है अर्पित बंसल जी अरुणेन्द्र अरु, सॉरी अनुराधा यादव जी ठीक है लगभग लोग सेकंड ऑप्शन सेकंड हो देखिए ये आपका एक क्वेश्चन है कि प्लस का मतलब फर्स्ट लेटर डॉटर इनटू मतलब फर्स्ट लेटर सन माइनस मतलब फर्स्ट लेटर वाइफ बन गया अब ये बताओ पी इंटू क्यू माइनस ये बताओ इंटू है तो इंटू का मतलब क्या हो गया, मतलब गया, मतलब गया, तो मतलब गया? गया? परेशानी तो ये P जो है वो बेटा है क्यू का क्यू वाइफ एस की मतलब हो जाएंगे तो इतना हमें कंफर्म है कि एस हस्बैंड क्यू के है एस फादर पी के हैं पी बेटा होगा है ना और पी और क्यू और एस जो है वो वो मैरिड कपल हो जाएंगे और क्यू मदर पी की हो अब देखिए क्या वाइफ है की नहीं सर एस जो है हस्बैंड होगा एस क्या फादर है पी के यस भैया एस एस जो है फादर हो जाएंगे पी क्या डॉटर है क्या नहीं भैया पी बेटा है क्यों क्या फादर है क्या नहीं भैया क्यों जो है वो क्या कहते हैं आपकी पत्नी है क्या नवदीज होगा नवोदीज नहीं होगा मतलब सेकंड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन कंफर्म आपका सही जवाब आई होप सो आपको ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा क्लियर हो गया डन हो गया ठीक है रिवर्स वाला करवाते हैं अभिनव शर्मा जी वो भी करवाएंगे उसका भी हम आपको बेसिक ओवरव्यू देंगे उसको भी हम समझा के बताएंगे कैसे आएगा ठीक है चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा इसको बताइए क्या होगा बताते हैं बेटा उसकी भी स्ट्रेटजी आपको बताते हैं ठीक है कैसे हम ट्राई करेंगे चलिए फास्ट आंसर ओके okay. तो लगभग लोगों के आंसर जो हैं वो आ गए हैं लगभग लोग कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ब्रिजेश कुमार विजय कुमार झा अभिनव शर्मा और अर्पित बंसल योगेश कुमार ओके okay. एक बार सवाल देखिए सवाल देख लीजिए P प्लस आर तो प्लस मतलब क्या हो गया प्लस मतलब हो गया बेटा मतलब P जो है वो बेटा किसका हो जाएगा R का हो जाएगा ठीक है R माइनस माइनस मतलब हो जाएगा कि भैया सेकंड लेटर मतलब R जो है वो वाइफ किसकी हो जाएगी Q की हो जाएगी तो Q अगर वाइफ होगी मतलब Q सॉरी Q की वाइफ होगी मतलब Q पक्का फादर हो जाएंगे तो P जो है वो बेटा आर का होगा आर और क्यों मैरिड कपल है मतलब क्यू फादर पी के होंगे पी बेटा क्यू का हो जाएगा इतना तो बन गया ना आप सवाल देखो कह रहे बताइए कौन सी कंडीशन ट्रू है आपकी तो ट्रू में अगर मैं देखो क्यू क्या फादर है पी के हाँ भैया क्यू पक्का फादर हो पी के मतलब

थोड़ा वर्डिंग अलग हो गई ठीक है? ये यहां पे हो गया, फिर यहां पे आपका बी आ गया यहां पे आपका ए आ गया यहां पे आपका बी आ गया यहां पे आपका ए आ, आ गया अब मैंने आपको अब हमने बी कर दिया उल्टा कर दिया ठीक है अब कैसे हमने आपको एक कोई दिया हमने आपसे बोला कि पी जो है वो बराबर है क्यू के ठीक है फिर हमने आपसे कहा कि क्यू जो है क्यू जो है वो इन किसका है आर का आर जो है वो डिवाइड किसका है एस का ठीक है फिर एस जो है अगर मैं देखूंगा एस जो है वो कंफर्म प्लस किसका है क्या कहते हैं टी का है ठीक है फिर टी जो है वो अगेन डिवाइड किसका हो जाएगा? यू का हो जाएगा तो मुझे बताइए हाउ आर रिलेटेड टू टी ये आपका सवाल है बताइए इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से ये हमने बी ए और बी को इंटरचेंज कर दिया ना हैव क्वेश्चन चेक करें इसका आंसर क्या होगा पहले आप करिए फिर मैं बताता हूं आपसे नहीं आएगा तो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा ठीक है जल्दी सॉरी जल्दी चेक करने क्या इसका आंसर देखो करना क्या है करना कुछ नहीं देखो जैसे यहां पे लिखा है P इक्वल टू तो ये बताओ इक्वल टू का मतलब है कि जो सेकंड लेटर है वो सिस्टर किसका फर्स्ट लेटर का यानी बी सिस्टर फर्स्ट का इसका मतलब ये हुआ कि बी मतलब क्यू जो है वो सिस्टर किसकी पी की क्यू सिस्टर पी की यहां यहां तक तक कोई तो कोई दिक्कत नहीं नहीं परेशानी आगे देखिए अगला है Q into, into मतलब हो गया कि जो सेकंड लेटर है वो भाई किसका होगा फर्स्ट लेटर का यानी यहां पे आर जो है वो भाई किसका हो जाएगा फर्स्ट लेटर का यानी पी का भाई हो जाएगा यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं क्लियर हो गया अगला देखिए अगला है आपका आर डिवाइड डिवाइड मतलब होता है कि जो सेकेंड लेटर है वो मदर किसका फर्स्ट का होगा यानी एस मदर यानी एस अगर मदर तो भैया इन तीनों की ही मदर कौन हो जाएगी एस हो जाएगी इतना तो क्लियर हो गया ना क्योंकि क्यू अगर बहन है पी की और पी का भाई आर है तो भैया तीनों की मदर यहां पे एस हो जाएगी इतना क्लियर हो गया अगला देखिए अगला है आपका एस प्लस टी तो प्लस का मतलब है कि जो आपका सेकेंड लेटर है वो बेटा फर्स्ट का है यानी टी जो है वो कन्फर्म बेटा किसका हो जाएगा एस का हो जाएगा यह बात क्लियर हो गई इतना समझ में आ गया अगला देखो अगला मैंने आपसे कहा T डिवाइड बाई U डिवाइड का मतलब है कि जो आपका सेकेंड लेटर है वो मदर है U की सेकेंड लेटर मदर है फर्स्ट का मतलब U जो है वो मदर किसकी है T की है तो यहां पे अगर आप क्लियरली यहां पे अगर आप क्लियरली देखें तो इसका आंसर जो आप लोगों ने किया है इसका आंसर जो आप लोगों ने किया है वो कहीं ना कहीं सी एनडी पे किया है क्यों किया है क्योंकि डायग्राम पूरा बन गया लेकिन लास्ट की लाइन की कंडीशन क्या कहते हैं सेटिस्फाई नहीं होगी लास्ट लाइन आपका सेटिस्फाई नहीं होगा वो सही है कि आर टी का भाई है वो सही है वो आपकी बात सही मैं अग्री करता हूं कि आर टी का भाई है लेकिन ये आपने ये कैसे सेटिस्फाई करवा दिया P डिवाइड बाई U आपने किस पॉइंट पे सेटिस्फाई कर जबकि आपको ऑलरेडी पता है कि S इनकी मदर है जब S मदर है तो दूसरी मदर कैसे बन सकती है मेरे भाई भाई U मदर मदर T की क्यों बनेगी जब S ऑलरेडी है तो आपका ये डायग्राम जो है वो प्रॉपरली नहीं बना जब डायग्राम प्रॉपरली वही मैं आपसे कह रहा था कि कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं जिसमें डायग्राम ही नहीं बनता तो उसका आंसर आपका ऑलवेज क्या होगा सी एनडी आपका उसका आंसर ऑलवेज बन जाएगा समझ में आया ब्रदर है नो डाउट ब्रदर है लेकिन क्या आपका डायग्राम वो बना क्या जैसा क्लियरली दिया

बेटा वो बात सही है अनुराधा यादव तो आपकी बात सही आंसर तो निकल रहा है लेकिन वो डायग्राम क्लियर नहीं है डायग्राम आप 100 परसेंट उसको नहीं कह सकते कि जितने वो स्टेटमेंट दिए हैं उससे बनके वो डायग्राम बन गया है नहीं कह सकते आप और जब नहीं कह सकते तो फिर आपका आंसर सी एनडी होगा ठीक है ऐसे सवाल भी एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं तो ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए पता होनी चाहिए ठीक है पता होनी चाहिए ठीक है एक सवाल और देते हैं एक सवाल आपको हम और देते हैं अब मान लीजिए मैंने यहां से सॉरी मैंने आपसे क्या कहा मान लीजिए मैंने आपसे कहा मैंने आपसे सिंपली कहा कि आ, मैंने आपसे कहा मान लीजिए कि p माइनस क्यू ठीक है फिर मैंने आपसे कहा कि q इंटू आर ठीक है फिर मैंने आपसे कहा r बराबर s फिर मैंने कहा एस प्लस टी ठीक है फिर मैंने आपसे कहा कि टी इन टू यू और मेरा सवाल आपसे बना सवाल मेरा आया कि बताइए हाउ हाँ, आर रिलेटेड टू यू बताइए यहां तक क्लियर हो गया ना हाँ एक बार और बिल्कुल हम एक बार फिर से एक एक और सवाल लेके आ गए क्या कहते हैं अजय सिंह यादव जी हमने एक एक बार और सवाल पूछ लिया इवा गुप्ता जी बेटा यू नहीं पूछा मैं आपसे तब को तब ताप से क्या समझा रहा हूं बेटा देखो बफरिंग नहीं हो रही बफरिंग नहीं हो रही बेटा वो आपके मोबाइल का रिजोल्यूशन उसको आप एंड डाउन कर लेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी बेटा मैं तब से आपको क्या बता रहा था कि यू तो मैं मानता हूं नहीं पूछा गया लेकिन क्या बिना प्रॉपर डायग्राम के आप उसका आंसर बता सकते हैं क्या आपकी हाँ बात सही है कि आर और टी का क्लियर लेकिन क्या वो डायग्राम क्लियर है क्या अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं ये खाने में सब कुछ है और लास्ट का खाना उसी मतलब थाली में कोई सड़ी चीज रखी है तो क्या वो खाना परफेक्ट है क्या नहीं है ना क्योंकि एक चीज तो गड़बड़ हो गई ना बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बार, -बार करेंगे, ने, ने पूछना, स्टार्ट कर दिया है कि वो वो पॉइंट तो देगा जो पूछा जा रहा है बाकी उसने डायग्राम नहीं बनेगा तो आपका आंसर ऑलवेज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा वो सीएनडी बन जाएगा ध्यान रखिएगा वो ऑलवेज आपका सीएनडी बन जाएगा ठीक है चलो ओके okay, तो अंकल 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 ओके okay. अर्पित बंसल अनुराधा यादव राणा जी और अभिनव शर्मा इवा गुप्ता ओके okay, सवाल देखो आप सवाल देखो देखो P माइनस क्यू माइनस मतलब सेकेंड लेटर वाइफ किसकी फर्स्ट लेटर की मतलब Q जो है वो वाइफ तो Q वाइफ किसकी होगी P की होगी तो वाइफ अगर होगी मतलब P पक्का कौन होंगे हस्बैंड होंगे यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं तो क्लियर हो गया अगला देखिए इसको उल्टा कर लेते हैं क्योंकि ये चूंकि Q की साइड से आगे बढ़ेगा ये तो उसको उल्टा कर लेते हैं उल्टा ऐसे कि क्यू जो है वो वाइफ किसकी हो जाएगी पी की हो जाएगी पी उसके हस्बैंड हो जाएंगे अब क्यू इंटू आर है इंटू मतलब हो गया सेकंड लेटर भाई किसका फर्स्ट लेटर का मतलब आर जो है वो भाई

अभी तक आप ए प्लस बी को ए मानते थे अब उसने बी कर दिया तो आपको सेकंड लेटर पकड़ना है बाद खत्म और कुछ करना ही नहीं है अगर फर्स्ट लेटर दिया तो फर्स्ट लेटर करिए आपका आएगा ही आएगा बस पकड़ना सीख लीजिए कहीं गलती ना हो बस ये चीज है हालांकि आरआरबी में ऐसा सवाल नहीं पूछेगा आरआरबी में ऐसा सवाल आपसे नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी आपको ये बेसिक ओवरव्यू पता होना चाहिए क्योंकि अब ट्रिक्स वो उठा रहा है अब वो और ट्रिकी करने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर ठीक है तो आपको हर एक चीजों से अवेयर रहना पड़ेगा क्योंकि ऐसे सवाल अगर पूछ लिया तो आपको तुरंत खटाक से खटाक से आपका आंसर आ जाए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बताइए बताइए क्या होगा बहुत शानदार चेक करें आराम से और आराम से चेक करके देखिए यहां पे सवाल हमसे बोला है कि आपको पी इन टू आर डिवाइड बाई क्यू इसका मतलब क्या होगा चेक करें इसका आंसर क्या आएगा ओके okay, सो so इवा गुप्ता अनुराधा सिंह अर्पित बंसल एंड अभिनव शर्मा राणा ऋषिराज एंड विजय कुमार झा ऑल आर सिंग थर्ड ऑप्शन क्या है ये थर्ड ऑप्शन एक बार देखिए चेक कर लीजिए तो P इन टू मतलब है देखिए यह यहां पे फर्स्ट है सिंपल यहां पे फर्स्ट लेटर यार फर्स्ट लेटर पकड़ लो आपका आंसर आएगा तो भैया फर्स्ट लेटर यानी P जो है वो भाई किसका R का हो जाएगा ये ऐसे बन गया कोई दिक्कत नहीं अगला देखो अगला आपका डिवाइड डिवाइड मतलब क्या हो गया डिवाइड मतलब हो गया कि आपका जो फर्स्ट लेटर है मदर किसका सेकंड का इसका मतलब R जो है वो मदर किसकी हो जाएगी आपकी पक्का Q की हो जाएगी इस टाइप से आपका नॉर्मली बन जाएगा तो यार P भाई R का है R मदर Q की है सवाल ने बोला बताइए बताइए कौन सी कंडीशन ट्रू है तो यार कंडीशन अगर आपकी ट्रू में देखूंगा तो मुझे क्यू का

अब आपको कोडिंग फॉर्म ब्लड में कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने हर टाइप के सवाल फाइनली पढ़े हैं ठीक है अब आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अब जितने पैटर्न है इससे हटके नहीं आएगा क्लर्क हालांकि इतना हाई लेवल लेकिन फिर भी अगर पूछ सकता है तो इससे हाई लेवल फिर नहीं पूछेगा ठीक है चलिए ओके बताइए P इक्वल टू आर प्लस क्यू ठीक है तो P इक्वल टू आर और प्लस क्यू बताइए आपका आंसर का हो जाला चेक करें चक्कर बताएं क्या होगा बहुत शानदार बहुत बढ़िया ठीक है जल्दी से एक बार आंसर कर दो तुरंत आंसर कर दो चलिए ये आपका P है ये आपका R है ठीक है और ये आपका Q है एग्जैक्टली क्या होगा फास्ट आंसर सेकंड अभिनव शर्मा सिंह से सेकंड ओके ठीक है ठीक है सेकंड ऑप्शन ठीक है फोर्थ ऑप्शन अजय अजय कुमार सिंह जी ओके ठीक है चलिए तो एक बार सवाल चलिए एक बार सवाल अब देख लेते ले, सवाल क्या बोल सिंपल समझिए पी बराबर बराबर का मतलब क्या हो गया कि भैया फर्स्ट यानी पी जो है वो सिस्टर किसकी आर की आर प्लस प्लस मतलब क्या हो गया कि आर जो है वो बेटा किसका क्यू का तो P सिस्टर किसकी R की R बेटा किसका Q का, का? अब ये बताओ अगर पी बहन है आर की और आर अगर बेटा होगा क्यों का तो भैया पी भी तो बेटी की होगी अब क्यों मेल है फीमेल है मदर है फादर नहीं पता लेकिन पी तो पक्का बेटी हो जाएगी इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि पी जो है वो ऑन्ट नहीं होगी नीज नहीं होगी सिस्टर नहीं होगी नन ऑफ डीज नहीं होगा सेकेंड ऑप्शन कंफर्म आपका सही जवाब आई होप सो आपको यह प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा क्लियर हो गया डन हो गया समझ में अप्रोच कैसे करनी है तो सेकंड ऑप्शन पक्का आपका सही जवाब हो जाएगा ठीक है अगला सवाल आपके सामने ये रहा चलिए बताइए जल्दी से आंसर फास्ट आंसर दीजिए क्या होगा ओके okay, तो राज okay, राज ओके रीमा सिंह जी ओके okay, ठीक है ब्रिजेश कुमार ठीक है पल्लवी वर्मा ठीक है फास्ट आंसर अब पीडीएफ में आपको आंसर नहीं मिला करेंगे शायद हमने आपको कब, आपको कल ही बता दिया था अब आंसर आपको डायरेक्टली आना है तो आपको लाइब्रेरी में आना पड़ेगा ठीक है इससे क्या होगा आपकी जो एक अंदर से जील है पढ़ने की वो थोड़ा बढ़ेगी और इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे ठीक है चलिए ओके सवाल एक बार देखिए सवाल देखिए क्योंकि कई लोगों के आंसर आ गए हैं आदित्य अर्पित बंसल राणा अभिनव शर्मा ब्रिजेश अजय सिंह वि, विजय कुमार झा देखिए पी बराबर क्या है बराबर मतलब पी जो है वो सिस्टर तो पी सिस्टर किसकी आर की और आर डिवाइड डिवाइड मतलब होता है कि आर जो है वो मदर किसकी हो जाएगी क्यू की हो जाएगी अभी बताओ मेरी मदर की सिस्टर तो ये बताओ मेरी मदर की बहन मेरी मौसी होगी और मौसी मतलब आंसर क्या होगा आंट होगा क्या आंट आपका को कोई ऑप्शन है क्या तो सर अगर मैं आंट देखूंगा तो सेकंड नहीं होगा थर्ड नहीं होगा फोर्थ नहीं होगा फिफ्थ नहीं होगा फर्स्ट वन इज द राइट ऑप्शन फर्स्ट वन कंफर्म आपका सही जवाब आई होप सो आपको प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा क्लियर हो गया डन हो गया अगला सवाल आपके सामने ये रहा ठीक है एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहाँ मिले ऐसा कहना है हमारे दोस्त अभिनव शर्मा जी का देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरे भाई मेरे दोस्त एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मिलेंगे महद्रास की बुक पे जो जो कि आपको अगर आपने नहीं ली है तो बुक ले लीजिए उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे पर्याप्त साथ में आप महिंद्राज का आप ऐप फॉलो करें ऐप में आपको डेली नए लेवल के क्वेश्चन हाई लेवल के कहते सवाल आपको प्रॉपरली मिलेंगे प्लस आप स्पीड टेस्ट दें महिंद्रास के उस पर भी आपको प्रॉपरली बहुत ज़्यादा फायदा होगा तो ये सब चीज़ें आपकी छोटी छोटी कहते बातें हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा चीजें रिलेवेंट होंगी ठीक है चलिए ओके सेकंड ऑप्शन सत्यजीत मेहता जी ठीक है सेकंड ऑप्शन रुक रुक के नहीं चल रहा है पल्लवी वर्मा जी रुक रुक के नहीं चल रहा है बेटा वो आपके नेट का थोड़ा इशू है उसको आप से कम ज्यादा करेंगे तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी ठीक है चलो सवाल देखिए यहां पे दिया है आर डिवाइड ठीक है आर डिवाइड दिया है डिवाइड मतलब क्या हो जाएगा डिवाइड मतलब यहां पे अगर मैं देखूंगा तो डिवाइड मतलब होता है कि फर्स्ट लेटर मदर किसकी सेकंड की मतलब आर जो है वो मदर किसकी हो जाएगी एस की हो जाएगी अगला देखिए एस के बाद प्लस दिया है प्लस मतलब होता है कि जो ये है एस है ये फादर किसके हो जाएंगे टी के हो जाएंगे मतलब S father confirm यहाँ पे T के आ गए अगला देखे? अगला देखिए है T minus, minus मतलब होता है कि जो first है वो ब्रदर हो, हो, तो मतलब हो जाएगा कि यू जो है वो डॉटर किसकी हो जाएगी भी की हो जाएगी तो यू अगर डॉटर भी की होगी मतलब भी पक्का फीमेल होगी और एस और भी मैरिड कपल हो जाएंगे सवाल ने कहा कि बताइए आर का रिलेशन भी से क्या होगा तो आर का रिलेशन अगर मैं भी से भी

फिर एस के बाद प्लस है, प्लस है मतलब हो जाएगा कि एस फादर टी के होंगे ओके फिर टी जो है वो माँणस है वो माइनस माइनस मतलब क्या कि फर्स्ट लेटर ब्रदर होगा मतलब टी भाई किसका यू का हो जाएगा और यू अगर इन टू में अगर यू जो है वो बेटी क्यू की होगी तो यू बेटी क्यू की हो जाएगी लेकिन यार मुझसे कुछ गलत तो नहीं हुआ गलत नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि एस और बी मैरिड कपल होंगे तो यार मैंने अगेन सही बना दिया मैंने दो बार ट्राई किया फिर भी सही बन गया मुझे लगा मैं गलत होऊंगा लेकिन सही बन गया मुझसे मैं फिर देख पा रहा हूं कि आर जो है वो सास है की फिर से क्लियर हो रहा है कि यार सा से मतलब आंसर क्या हो गया आंसर आपका मदर इन लॉ हो जाएगा पता नहीं किस टाइप से आपने ट्राई किया है कि आपका सिर्फ मदर आ रहा है किस टाइप से आंट आ रहा है मेरा तो यार मदर इन लॉ आ रहा है इसका मतलब यह हुआ कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा सेकंड नहीं होगा थर्ड नहीं होगा फोर्थ नहीं होगा नन ऑफ दी सही जवाब हो जाएगा अब जिसको डाउट हो कमेंट करे जिसको डाउट हो कमेंट करे की हाँ सर कुछ तो हमें से गलती हुई एक बार एक बार कमेंट कर दो भाई मुझे लगा मैं गलत हूं क्योंकि सबके आंसर फर्स्ट आ रहे थे तो मैं, ट्राई किया दो बार ट्राई किया सही आ गया वही आ गया तो गलती कहां हो रही मेरे भाई गलती कहां हो रही है क्या ऐसी दिक्कत है जहां पर आप रुक रहे हैं क्या आपको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि यहां पे जो एक्सप्रेशन दिया है उसको आपको सिंबल से मैचअप करवाना है बस ये देख लो फर्स्ट लेटर का रिलेशन सेकंड से या सेकंड का फर्स्ट से है इतना करोगे आपका आंसर वे में आ जाएगा दिक्कत कहां हो रही है मेरे भाई दिक्कत कहां हो रही है और अगर ऐसा ये बहुत नॉमिनल गलती करेंगे तो फिर एग्जाम में आपको चुकाना पड़ेगा एग्जाम में आपको यह चुकाना पड़ेगा गलती ऐसी हो रही है तो एग्जाम में आपको चुकाना पड़ेगा ध्यान रखिएगा ठीक है क्योंकि इतना बेसिक बताने के बाद ही अगर आपको आपको ये मिस्टेक आ रही है तो फिर भैया सोचने वाली बात है थोड़ी सी यार मैंने आंसर जानबूझ के इसलिए हटाए ताकि आप प्रैक्टिस कर दो तो एक्स्ट्रा तो आप एफर्ट नहीं दिखाओगे कैसे बनेगा मेरे भाई मैंने मैं आपको अलग से कुछ कोशिश करो नई चीज की यार आंसर हटा दूं तो और और आप ट्राई करो और बेहतर समझो चीजों को समझ नहीं रहो यार आप आप प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे हो ऐसे कैसे काम बनेगा ठीक है अगला सवाल आपके सामने ये रहा इसको बताइए इस बार भी गलत कर देना इस बार भी गलत कर देना ठीक है कोई दिक्कत नहीं एम को हमें सास यानी मदर इन लॉ बनाना है सोच के समझ के जवाब देना सवाल बहुत आसान है मैंने थोड़ा घुमाया हुआ है बस अब आपको यह पकड़ना है कि मैंने कहां पे क्या घुमाया हुआ है आराम से देखिए अनुराधा यादव तो प्रिप्त ऑप्शन जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। भाई मेरे भाई एक बात बताओ बहुत सिंपल सी बात है क्या इस इक्वेशन में कहीं कुछ ऐसा वाइफ हस्बैंड वाली बात हो रही क्या क्या आप किसी एंगल से वाइफ हस्बेंड खाली तीन सिंबल में बना सकते हो क्या तीन सिंबल में आपने ये कर दिया कि ये इसका बेटा है ये इसकी मदर है तो क्या इससे सास या बहु बन जाएगी क्या समझिए बहुत सिंपल दिमाग अगर तीन मात्र इक्वेशंस है तीन आपके लेटर्स हैं, उसमें इक्वेशन आपको बनाना है तो क्या ऐसा संभव है किसी भी कंडीशन पे कि आप आपको मैंने एक सिंबल दिया टास्क दिया ए बी सी इसमें आप एक काम करो ए को सी की मदर इन लॉ बना दो बस इन तीन में तो आप क्या करोगे आप कहोगे सर ए जो है वो मदर कर देता हूं मैं बी की और बी को हस्बैंड कर दूंगा सी का तो सर सी जो है वो क्या कहते हैं बहु और ए बन जाएगी बिल्कुल सही है लेकिन लेकिन यहां पे आपने तब किया होगा ना जब ए यहां पे हस्बैंड वाइफ वाला कोई ऑप्शन होगा लेकिन इस इक्वेशन में क्या यहां पर हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ ये दिमाग लगाओ ना दिमाग लगाओ क्या हस्बैंड वाइफ का कहीं कोई ऑप्शन है जब हस्बैंड वाइफ का ऑप्शन नहीं है तो क्या तीन लेटर में कभी पॉसिबल है कि बहु दामाद सास बन जाए कभी पॉसिबल है नहीं है तीन चार तो मुझे मुझे चाहिए चाहिए कैसे चार अगर मान मैंने डी कर दिया यहां पे तो तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कि ए जो है वो मदर है बी की बी जो है वो भाई है सी का और सी बेटी है डी की हाँ ऐसे करूंगा तब जाके कुछ हो सकता है कि मैरिड कपल ऐसे बन जाए उसमें भी चांसेस बहुत कम है कि आपका सास बहू या दामाद बन जाए तीन सिंबल में अगर हस्बैंड वाइफ का ऑप्शन नहीं है तो आप दामाद बहु या सास नहीं बना सकते नहीं बना सकते ये शोर है अगर यहां पे नहीं दिया है तो और जब नहीं दिया है तो इसका मतलब पहला होगा नहीं चेकि नहीं करना है सेकंड होगा नहीं चेक नहीं करना है थर्ड होगा नहीं ही नहीं करना है फिफ्थ हो चौथा होगा भैया नॉन ऑफ दिस सही जवाब हो जाएगा सिंपल सी बात है नॉन ऑफ दिस सही जवाब हो जाएगा बोलो समझ में आया समझ में आया क्या किया हमने हमने कुछ किया बस दिमाग से खेला हमने देखा कि यहां पे हस्बैंड वाइफ का कोई ऑप्शन तो है नहीं और जब हस्बैंड कोई ऑप्शन नहीं तो भैया ये तीन सिंबल को मैं सास या बहू या दामाद के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकता ये तीन सिंबल को मैं सास बहू या दामाद के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकता जब नहीं कर सकता तो यार फर्स्ट होगा नहीं सेकंड होगा नहीं थर्ड नहीं होगा फोर्थ नहीं होगा नन ऑफ दिस कंफर्म आपका सही जवाब हो जाएगा कितनी सिंपल बात है बहुत सिंपल चीज है क्लियर डन सॉन में आया अप्रोच कैसे करनी है बस ये सब चीज दिमाग में रखो आपका आंसर बहुत आराम से आएगा अगला सवाल आपके सामने ये रहा देख लो आराम से नकुआ नकुआ न, न कटवा देना हमारी है? नाक ना कटवाना करो अब देखो यहां पे कुछ सिंबल फर्स्ट लेटर को शो कर रहे हैं कुछ सेकंड लेटर को भी शो कर रहे हैं ठीक है मैंने यहां पे एक एफ नाम का भी एक ऑप्शन डाल दिया जिसको हमने कर दिया नन ऑफ दीज ये मेरे अकॉर्डिंग एक और ऑप्शन है जो कि आपका नन ऑफ दीज है बताइए दोनों चीजें एक साथ फर्स्ट लेटर का भी रिलेशन दिया है सेकंड लेटर का भी फर्स्ट से रिलेशन दिया हुआ है बताइए इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से फटाक से आंसर जल्दी से आंसर फटाक से क्या क्या दिया है आपका यहां पे सिंपली आपका दिया है क्यू आर पी एस टी बताइए जल्दी से बहुत बढ़िया हाँ ये आपका एफ जो है नीस होगा चलिए बहुत शानदार चेक कर पा रहा हूं मैं अभी नहीं आया ब्रदर इन लॉ ओके अब एक बार सवाल देखिए सवाल लेर प्लस, प्लस का मतलब है कि क्यू जो है वो फादर किसके आर के मतलब क्यू जहां भी होंगे क्यू फादर किसके हो जाएंगे आर के हो जाएंगे ऐसे बन गया अगला देखो अगला आपका आर इंटू है तो इंटू मतलब क्या हो गया इन टू मतलब हो गया कि फर्स्ट लेटर यानी आर जो है वो हस्बैंड होंगे मतलब हो 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 तो हो अगला, अगला पी माइनस है माइनस मतलब है आपका, कि लेटर सिस्टर किसकी सेकंड लेटर की यानी पी जो है वो सिस्टर किसकी एस की हो जाएगी और एस का यहां पे अगर मैं देखूंगा एस का यहाँ पे चूंकि डिवाइड है डिवाइड का मतलब अगर मैं देखूंगा डिवाइड का शायद सेकंड वाला है तो डिवाइड का मतलब होता कि यह सेकंड लेटर जो है वो भाई फर्स्ट का होगा यानी टी जो है वो भाई किसका हो जाएगा एस का हो जाएगा ये स्क्राइब से आपका बन जाएगा समझिएगा ये टोटल आपका ऐसा बन गया कि यार क्यू जो है उसका बेटा आर है आर की पत्नी पी है पी बहन एस की है और टी भाई एस का होगा अब सवाल निकाल बताइए एस का रिलेशन आर से क्या है तो क्या एस का जेंडर क्या यहां पे डिफाइन है क्या और जब जेंडर डिफाइन नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर कभी भी आंसर नहीं आएगा इसका मतलब फर्स्ट नहीं होगा सेकंड नहीं होगा थर्ड नहीं होगा फोर्थ नहीं भैया जब सी डी दिया है तो आप ब्रदर इन लॉ क्यों कर रहे हो क्यों गलती कर रहे हो जब सी डी दिया हुआ है तो ब्रदर इन लॉ क्यों कर रहे हो यार क्योंकि यह सिस्टर इन लॉ भी तो हो सकता है ये साली भी तो हो सकता है तो भैया यहां तो यह भी दिया है तो क्या कहां ये और आपको ये पता है ना कि डिवाइड का मतलब क्या है कि सेकंड लेटर का रिलेशन

जल्दी से हर चीज आपको बतानी पड़ती है इवन पंद्रह क्वेश्चन तेरह क्वेश्चन करवाने के बाद बावजूद जल्दी करिए चलो जल्दी से चलिए बहुत शानदार करिए अब आप लोगों को इस टॉपिक में शायद शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि अब तो हमने प्रॉपरली इसको क्या कहते हैं खत्म कर दिया है ठीक है तो शायद अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवाल देखें एक बार क्वेश्चन एक बार ट्राई करें क्या आएगा ट्राई किया जाए चलो एक बार सवाल देखिए सवाल देखिए सिंपल ग्रैंडसन कह लो ग्रैंडसन कह रहे हैं सवाल एक बार चलिए चेक कर लेते हैं क्योंकि मोस्ट आउट 100% ग्रैंडसन 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 इवा गुप्ता ऋषिकराज एंड अभिनव शर्मा ग्रैंडसन ओके सवाल लेके देखो q r प्लस मतलब क्या हो गया फर्स्ट लेटर फादर किसके सेकंड के मतलब q जो है वो फादर तो Q फादर किसके हो जाएंगे R के हो जाएंगे यहां तक क्लियर हो गया अगला देखिए अगला R माइनस है माइनस मतलब होता है कि जो फर्स्ट लेटर है वो सिस्टर यानी R जो है वो सिस्टर किसकी S की हो जाएगी ठीक है उसके बाद एस प्लस है ठीक है प्लस का मतलब क्या हो गया अगेन प्लस दिया हुआ है प्लस मतलब आपका हो गया कि भैया एस जो है वो फादर किसके टी के हो जाएंगे और यहाँ पे आपका ये डिवाइड दिया हुआ है डिवाइड का मतलब क्या हो गया डिवाइड का मतलब उल्टा हो जाएगा कि भैया यहाँ पे एम जो है वो ब्रदर टी के हो जाएंगे यानी एम कन्फर्म ब्रदर आपके टी के कुछ इस टाइप से आपके बन जाएंगे तब तो क्लियर हो गया ना आप सवाल क्या बोल रहे सवाल ने बोलो बताइए का रिलेशन क्यों से क्या होगा तो ये बताओ एम के फादर कौन है एस एस के फादर कौन है क्यू तो एम के फादर एस एस के फादर क्यू इसका मतलब ये हो जाएगा कि एम जो है वो पक्का ग्रैंड सन किसके हो जाएंगे क्यू के हो जाएंगे ये बात 100 परसेंट क्लियर हो गए और जब 100 परसेंट क्लियर हो गए इसका मतलब ये हुआ कि आपका फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा सेकंड नहीं होगा फोर्थ नहीं होगा फिफ्थ नहीं होगा थर्ड वन इज द राइट ऑप्शन थर्ड वन पक्का आपका सही जवाब आई होप सो आपको ये प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा क्लियर हो गया डन हो गया तो इस टाइप से आपको प्रॉपरली सवालों की प्रैक्टिस करनी है ठीक है आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं हर टाइप के सवाल हमने पढ़ लिए हैं ये आप एक बार देख लीजिए आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी बेस्ड होगी डायरेक्शन पे डायरेक्शन का हम बेसिक आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे पार्ट वन पे बात करेंगे इस पर भी हमने दो तीन क्लासेस ली हैं और इसके भी हम सारे क्वेश्चन देखिए के तीनों टाइप चाहे आपका पजल फॉर्म दो क्लास हो गए प्लस आपका इंडिकेटिंग फॉर्म हो गया प्लस आपका कोडिंग फॉर्म हो गया तीनों टाइप के सवाल हमने पढ़ लिया अब नीड है आपकी प्रैक्टिस की प्रैक्टिस और ज्यादा करिए और बेहतर करिए जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगे आई होप सो आपको एक क्लियर हुआ होगा क्लियर हो गया डन हो गया तो ये आपका साथ में एक वाट्सअप नंबर है कोई भी आपकी क्वेरी होगी कोई भी दिक्कत होगी इस नंबर